तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है, तो इसमें हम लगाने वाले हैं, इसकी हाइट को इंक्रीज करने वाले हैं। इसमें लगाने वाले हैं इसमें स्पेसर, पहले मेरा इसके अंदर हाथ भी नहीं जा रहा था। तो ये बेयरिंग ना पूरा स्टक हो चुका था, देख रहे हो रोटेट करने पे बिल्कुल घूम ही नहीं रहा था। तो मैंने इसे खोल को चेक किया तो पूरा अंदर से टूट गया था कॉन वगैरह इसकी। तो ये है इसका डीजल फिल्टर, तो ये जेन्युइन फिल्टर है UFI का, तो स्कोडा रिकमेंडेड करती है। तो इसमें हमें जो पुराना वाला सेंसर है वो लगाना है और इसके ध्यान देना होता है जो। तो अभी फाइनली इसकी जो कूलेंट वाली बोतल थी वो भी हमें अच्छे से क्लीन करनी है, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा इसमें गंद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज अपने पास गाड़ी है स्कोडा रैपिड, जिसकी हम करने वाले हैं फुली सर्विस। तो ये गाड़ी डीजल इंजन है अपना, ऑटोमेटिक DSG 7 स्पीड के साथ में। तो इसमें जो हम पार्ट चेंज करने वाले हैं, वो अपना ये जो कैस्ट्रोल का रिकमेंडेड 5W40, तो ये इसमें इंजन हम यूज करेंगे। और इंजन ऑयल यूज करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे इसमें इसका इंजन ऑयल फ्लश लगभग हम 5 से 10 मिनट के लिए यूज करेंगे। उसके बाद में जो हम डालने वाले हैं ये अपना इंजन ऑयल 3 लीटर इंजन ऑयल, इसको भी डालकर हम जो इंजन के अंदर मेल्ट वगैरह हो, कचरा वगैरह होगा उसको 10 मिनट के लिए इसको मोबिल को डालकर उसको निकालेंगे बाहर। और फिर उसमें जो हमें सारे फिल्टर वगैरह हैं वो अपने, ये एयर फिल्टर है अपना, ये डीजल फिल्टर है अपना, ये सारे जितने फिल्टर है सब, ये ऑयल फिल्टर है, ये जितने फिल्टर है अपने सारे जेन्युइन है। और ये अपना करने वाले हैं इसका ब्रेक ऑयल फ्लश, सारा जितना ब्रेक ऑयल है वो सारा चेंज करेंगे। और ये अपना है कूलेंट क्योंकि पिंक कलर का है तो वो सारा चेंज करेंगे। ये अपना कूलेंट 2 लीटर कूलेंट है लगभग। और साथ ही साथ हम करने वाले हैं इसकी हाइट को इंक्रीज, क्योंकि इसमें शॉकर माउंट बहुत ज्यादा कट गए थे, तो इसके शॉकर माउंट चेंज अगर इसमें है नहीं तो इसको हम गाड़ी को करने वाले हैं इसकी इंक्रीज, क्योंकि इस पैसा डालकर गाड़ी को थोड़ा हाइट को ऊपर उठाएंगे बस। तो अभी जो इसमें हम स्पेसर लगाएंगे तो इसकी जो पहले हमने हाइट इसकी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा हाथ इतना इसके अंदर जा रहा है। तो जो स्पेसर लगाने के बाद में इसकी हाइट इंक्रीज होगी वो फिर हम आपको चेक कराएंगे। तो अभी जो सबसे पहला स्टेप है अपना, जो इसमें अपने इंजन ऑयल फ्लश करेंगे, तो इसको डालने के बाद हम गाड़ी को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रनिंग के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ से इसको फील कर देते हैं। तो ये अपना पूरा डल गया और लगा देते हैं इसके वापसी से कैप। तो अब गाड़ी को कर देते हैं इसको फाइनली 5 से 10 मिनट के लिए स्टार्ट। तो गाड़ी हमने फाइनली स्टार्ट कर दी है, तो गाड़ी को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए स्टार्ट छोड़ेंगे। फिर इसके बाद में गाड़ी को 5 से 10 मिनट के लिए स्टार्ट छोड़ेंगे, फिर बाद में इसका सारा इंजन ऑयल ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करने के बाद हम इसमें चेंज करेंगे इसका ये 3 लीटर इंजन ऑयल, इसको डालेंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए और फिर इसको भी ड्रेन कर देंगे। तो अभी अपनी गाड़ी को लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो गाड़ी को करते हैं बंद और इसका निकालते हैं इंजन ऑयल। तो अभी जो अपना ये पुराना इंजन ऑयल है इसको निकलने देते हैं, और वो निकलने के बाद में जो हमने इसका जो इंजन ऑयल लिया था 3 लीटर वो लगभग बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है, तो ये हमें ज़्यादा देर इसको स्टार्ट नहीं रखना, सिर्फ क्लीनिंग के पर्पज़ से हमें ये डालना होता है। तो 5 से 10 मिनट के लिए स्टार्ट छोड़ेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। तो अभी फाइनली हमने इसकी डिस्क वगैरह खोली, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइनिंग है और गाड़ी में भी ब्रेक मारने पर इसमें बहुत ज़्यादा इसका स्टेयरिंग कंपन कर रहा था, लगभग 100 की 120 की स्पीड में बहुत ज़्यादा स्टेयरिंग कंपन कर रहा था। तो उसके लिए हमें से कराना होगा इसकी टर्निंग को फेस, और जो डिस्पैक वगैरह वो अपने बिल्कुल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सस्पेंसर में इसके शॉकर आराम वगैरह सब कुछ ओके हैं। और पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ,
इसमें। तो अपने सिलेंडर वगैरह वो सब ठीक है, ब्रेक शू वगैरह बिल्कुल ठीक है, अभी चलने की कंडीशन में है। तो इसको प्रॉपर बढ़िया से क्लीनिंग करेंगे ताकि हमारी हैंड ब्रेक और ब्रेक वगैरह सब कुछ अच्छी आए। तो अभी पूरा हमें शॉकर खोलने के बाद में जो इसका स्टीयरिंग हार्ड हो रहा था उसका जो रीज़न था वो ये आप देख सकते हैं, जो इसका शॉकर का बैरिंग था, बैरिंग की कॉर्न पूरी टूट गई थी। बैरिंग पूरा अंदर से जब मैंने इसको खोल के चेक किया तो पूरा बैरिंग अपना टूटा हुआ निकला। ये सब गोली पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें इसकी मेल्ट आ चुका है इसका। ये कॉर्न टूट गई पूरी अंदर से, ये इस तरह से होती है जो कि गोलियां इसके ऊपर रोटेट करती हैं, ऊपर से ये कॉर्न होती है। तो ये बैरिंग अपना टूट गया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये बैरिंग ना पूरा स्टक हो चुका था, देख रहे हो रोटेट करने पे बिल्कुल घूम ही नहीं रहा था। तो मैंने इसे खोल को चेक किया तो पूरा अंदर से टूट गया था कॉर्न वगैरह इसकी। तो ये अभी हमने एक नया बैरिंग लिया है, ये देखो कितना स्मूथली एकदम रन कर रहा है, बढ़िया एकदम प्रॉपर काम करेगा, स्टेयरिंग जो है वो भी एकदम स्मूथ हो जाएगा। आप चलो फटाफट फिट करते हैं इसको। शॉकर भी बढ़िया एकदम। इधर दिखा दो यहाँ काम हो रहा है सर, तुम्हें समझाओ या मत समझाओ, फर्क तो पड़ना बन गया तुम्हारे ऊपर, कौन सा काम क्या हो रहा है गल्ला गोटीला। खोल अब, इस पे नहीं खोलेगा, यार टाइट कर दिया, स्प्रिंग भी तो खोलेगा, हल्का हल्का खोलना।
ऊपर फाइनल मार जल्दी से। बस तो अभी हम इसका करने वाले हैं ब्रेक फोल्ड चेंज। तो चेंज करने के लिए जो इसमें ओल्ड ब्रेक फोल्ड होता है वो अपना निकालना पड़ता है। तो हमें निकालने के लिए इसमें जो पुराना वाला है एक इंजेक्शन की मदद से इसका सारा ब्रेक ऑयल बाहर निकालेंगे और जो इसमें रह जाएगा वो फिर हम नीचे जाकर उसका अपना जो जहाँ से एयर ब्लीड करते हैं वो निपल खोल कर वहाँ से उसको छोड़ देंगे और उसको ड्रेन होने देंगे सारा ब्रेक ऑयल, और इधर से हम इसमें नया ब्रेक ऑयल इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से एक सिंपल सा स्टेप है इसको ब्रेक को ऑयल को पूरा ही पूरा चेंज करने का। तो जैसे ही आपने अभी देखा पीछे हमने वहाँ पे इसका सारा ब्रेक ऑयल निकाला और फिर उसमें नया ब्रेक ऑयल डाला और जो उसमें रह गया थोड़ा बहुत जो इसकी लाइनें वगैरह में वो यहाँ से हम इसका निपल खोलकर सारा एक पाइप के जरिए से इसको सारा यहाँ से जब तक ड्रेन होने देंगे तब तक इसका न्यू ब्रेक ऑयल इसमें आने ना लग जाए। जब अपना न्यू ब्रेक ऑयल आने लग जाएगा तो जो इसका पुराना ब्रेक ऑयल है वो सारा अपना निकल जाएगा और पूरी फ्लैशिंग भी हो जाएगी और अपना सारा ब्रेक ऑयल चेंज भी हो जाएगा। अभी अपना ड्रम वगैरह सब कुछ ठीक था तो इसमें हमने लाइनिंग कटर वगैरह नहीं लगवाया क्योंकि अपना ड्रम वगैरह ठीक था और जो इसके ब्रेक से हो रहा था बहुत ज़्यादा डस्ट था वो अच्छे से हमने पूरा प्रॉपर क्लीन कर लिया है। तो अब इसमें हम इसकी प्रॉपर सेटिंग करके लगाएंगे इसको जिससे हैंड ब्रेक भी ठीक हो जाएगा और उसका जो पैडल है वो भी ठीक हो जाएगा और ब्रेक की पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। तो आगे का जो पीछे का हमने अच्छा पूरा क्लीन कर लिया सब कुछ बढ़िया फिटमेंट वगैरह और तो अपना जो आगे जो टर्निंग होने वाला था डिस्क वो हमने पूरा टर्निंग लगा के ले लिया। तो अब इसका फटाफट से क्लीपर फिट करेंगे, फिट करने के बाद में जो इसमें आगे का काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने जितना काम हो गया उसके करने के बाद में इसका जो एजीआर का पाइप है वो खोला
क्योंकि सर्विस वगैरह में अगर ये समय समय पे 30-40 हज़ार रुपये क्लीनिंग होती रहती है तो हमारी गाड़ी की माइलेज और ब्लैक स्मोक और पिकअप इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता रहता है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ऊपर के वो सर्विस वगैरह में 30 से 40 हज़ार किलोमीटर पर क्लीन करा लिया करें, क्योंकि ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इसको भी हम क्लीन करेंगे और इसका जो एयर मास सेंसर है और उसके अलावा जो भी और सेंसर है वो हम सारे क्लीन करेंगे। तो अभी अपना जो एजीआर वाला पाइप था वो पूरा क्लीन हो चुका है और इसको फटाफट से लगा लेते हैं, मगर इससे पहले हम इसका करेंगे ऑयल फिल्टर चेंज, क्योंकि बाद में थोड़ी दिक्कत होगी, मगर इसको पहले ही बाद में लगाते हैं, पहले करते हैं इसका ऑयल फिल्टर चेंज। तो अभी अपना एजीआर वाला पाइप पूरा कंप्लीट हो चुका है और अपना ऑयल फिल्टर कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट से ऐसा करते हैं एयर फिल्टर चेंज और इसके साथ साथ हम करेंगे इसका एयर मास सेंसर क्लीन। तो फटाफट से इसको हटाते हैं और एयर मास सेंसर क्लीन करते हैं और इसका एयर फिल्टर चेंज करते हैं, क्लीन करते हैं। ले पकड़ो, तो ये इसका एयर मास सेंसर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है, ये क्लीन भी पहले कभी नहीं हुआ, तो उसको क्लीन कर देंगे तो पिकअप पे काफ़ी ज़्यादा हमारा फ़र्क पड़ेगा। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको रस इसमें या थोटल बॉडी क्लीनर लेना होता है, तो इसमें बस सिर्फ हमें सिंपल था, फिर दिखा नीचे से दिखा दे, इस तरीके से इसको क्लीन कर देने का। बाकी इसमें किसी भी हवा का या प्रेशर का कोई पानी वगैरह नहीं मार सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, जिसका रेजिस्टेंस वगैरह वो सारी उड़ जाती है। तो इसके बाद सिंपल था कार्बन क्लीनर या अपना टोटल बॉडी क्लीनर से क्लीन कर देने का, बाकी इसको ऐसे ही झाड़ के लगा देने का। तो अभी अपना सारा ये जो एयर फिल्टर का नीचे का था वो पूरा क्लीन हो चुका है बढ़िया करके, इधर देखो। तो अभी बारी है इसमें फिल्टर लगाने की, तो ये इसमें तीन डॉट होते हैं, 1, 2, 3, तो ये हमें इसमें लगाकर कट को घुमाना होता है, ये तो ये इसका डीजल फिल्टर, तो ये जेनुइन फिल्टर है UFI का, तो स्कोडा रिकमेंडेड करती है। तो इसमें हमें जो पुराना वाला सेंसर है वो लगाना है और इसके ये ध्यान देना होता है जो इसका ये रिंग है ये हमें प्रॉपर लगाना होता है, अगर ये भूल गए तो फिर लीकेज वगैरह का चांस होंगे और डीजल वगैरह सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसको बस हाथ से इजीली इसको टाइट करना होता है, बस हो गया प्रॉपर, इधर लाओ इधर लाओ, इधर इसका ये सॉकेट है, सॉकेट को बैठा लेते हैं पूरा और इसको अंदर इंटर कर देते हैं, ये प्रॉपर बैठ गया, इधर ये हटाते हैं, इधर ये, इधर ये लग गया, ये फिट हो गया। यहाँ से इसका जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इसकी प्रॉपर एयर निकालेंगे। तो ये जो लोकेशन है अपनी डैशबोर्ड के नीचे, इसका जो AC फिल्टर है तो वो चेंज करना होता है। यहाँ से सिंपल सा अपने को एक क्लिक ये वापस करना होता है, एक ये, और यहाँ से अपना AC फिल्टर बाहर आ गया, तो ये इसमें AC फिल्टर निकला है, तो इसको भी चेंज करेंगे।
ये पूरा अंदर गया। ये लोग इधर आ गया, ये उधर गया, बस ये पूरा फिट हो गया। तो अब फाइनली बारी है इसमें कैस्ट्रोल मैग्नेटिक 5W40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने की, तो इसको डालते हैं फटाफट और फिर गाड़ी को करेंगे स्टार्ट फाइनल। पूरा हो गया साफ, कितना निकला, काला नहीं हुआ। तो अभी फायर रिलीज की जो कूलेंट वाली बोतल थी वो भी हमें अच्छे से क्लीन करनी है, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा इसमें गंद है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें गंद कार्बन है अंदर, ये पूरी अंदर से। तो फटाफट से इसको पूरा क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद फिर सारा ऑयल पानी ड्रेन करने के बाद कूलेंट फटाफट से इसको फिल करते हैं। तो अभी जितना पॉसिबल हो पाया उसको अच्छे से पूरा हमने क्लीन किया, तो अब फटाफट से इसको फिट करते हैं, फिर डालते हैं इसमें कूलेंट। पहले मेरा इसके अंदर हाथ भी नहीं जा रहा था इतना, वीडियो में देखना मिलेगा पूरा, मैं डालूंगा ना यूट्यूब पे तो देखना पूरा मिलेगा इतना। पहले ये चार उंगल आ रहे थे, ये बहुत फंस के जा रहा था पूरा। फिर तीन सौ पैंसठ दे अपना 10,000 किलोमीटर सर्विस रिसेट हो गई। डिपर उधर से लगेगा बस। इंडिकेटर चला बीच वाले से, इंडिकेटर बीच वाले से। तो लाइटें वगैरह सब कुछ अपनी ओके हैं, पीछे चल के देखते हैं लाइटें, वो भी ओके है।